मेरी बापा महोदय दोनों गौशालों में सर्वे करने गए, तो सिर्फ फोटो खिंचाने से क्या होगा, आप सर्वे करने गई फोटो खिंचा ली आप आ गए, उसकी हकीकत तो देखिए कहाँ जरूरत है उसके लिए। वहाँ सर्दी के बचाव का कोई भी कारण नहीं है। मेरी बापा महोदय से हुई बात और उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैंने काफी उनको कम से कम 40 कम्युनिकेशन के गैप पर पता नहीं भाई आप माफ हो रहा है इतनी बिजी, ऐसा तो मतलब ही नहीं। ये काम है नगर निगम का, कई लोग कह रहे थे स्मार्ट सिटी और खोखले दावे रहे उस चीज़ के लिए, घर में नगर निगम के जो छोटे अधिकारी हैं वो अनावश्यक रूप से उत्पीड़न करते हैं बपा नगर निगम में, धरना भी दिया वो कोई कार्य नहीं हुआ। जमीन स्तर से जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नगर निगम में नहीं हुए, सिर्फ कागजों पर कार्य हुए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA में। दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हमारे वही सीरीज हमारा नेता कैसा हो। दोस्तों इस सीरीज में हम लोगों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके नज़रिए से हमारा नेता यानी हमारे जो आने वाले इलेक्शन में महापौर है वो कैसा होना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्रीमान प्रशांत माहेश्वरी जी। प्रशांत जी उद्योग अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जिला उपाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने KIA में बुलाया। प्रशांत जी एक सबसे पहला तो सवाल मेरा यही है आपसे, जैसा कि हर किसी से रहता है, कि आपके नज़रिए से, चूंकि आप व्यापारी हैं तो आपके नज़रिए से महापौर कैसा होना चाहिए? जी हमारे व्यापारी के नज़रिए से व्यापारी चाहता है कि महापौर के लिए जो जन समस्याएं जो व्यापारियों की रहती हैं, एक तो अभी जो प्रथम नागरिक हमारी महापौर नूतन राठौर जी रही थी उनसे काफ़ी व्यापारियों को समस्याएं रहीं। एक तो कम्युनिकेशन के लिए कई बार व्यापारियों ने आंदोलन किए मगर उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। भाई व्यापारी सरकार को टैक्स भी देता है, वोट भी देता है, सब चीज़ देता है, मगर जब उसकी ज़रूरत के लिए समस्या आती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है। तो अब जो हम महापौर बनाना चाहते हैं तो ये चाहते हैं हमारे एक जमीन स्तर का नेता होना चाहिए जो हमारे जो समस्याओं को अगली होकर उन समस्याओं को समझे, और काफ़ी समस्याएं हैं वैसे ही महापौर होना चाहिए। चलिए तो व्यापारियों से संबंधित ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें लेकर के आपने जैसे कहा कि पिछली महापौर ने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो कौन सी ऐसी समस्या? देखिए समस्याएं एक तो हमारी फिरोजाबाद की एक फॉर्स मार्केट कहते हैं शास्त्री मार्केट। जी शास्त्री मार्केट वैसे नगर निगम की है, वहाँ 200 व्यापारी अपनी दुकान संचालित करते हैं, 50-60 साल पुरानी मार्केट है वो, तो वो मार्केट थोड़ी सी जर्जर भी हो चुकी है, वहाँ मरम्मत की जरूरत है, सोनीगढ़ की जरूरत है। अच्छा इस समय बताया था स्मार्ट सिटी के लिए, स्मार्ट सिटी सिर्फ सड़क बनाने से स्मार्ट सिटी नहीं होता है, उसके लिए कुछ डेवलपमेंट भी करना पड़ता है हम लोगों के लिए, तो ये काम है नगर निगम का। तो ये लोग कह रहे थे स्मार्ट सिटी वहाँ खोखले दावे रहे उस चीज़ के लिए। अब उसमें कई बार हमने आंदोलन किए, व्यापारियों ने बाजार अपनी मार्केट बंद करके भी आंदोलन किए, कई बार उनको ज्ञापन भी दिए मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ हमारी मांग थी कि जो व्यापारी भी है और आने वाली जनता भी आती है, जो काफ़ी महिलाएं भी आती हैं, ब्यूटी पार्लर भी हैं वहाँ पर, सब चीज़ें, एक तो वहाँ पर वॉशरूम की बड़ा समस्या है पेशावर की, महिलाओं के लिए भी है, सीढ़ियाँ भी जर्जर हैं। अच्छा ये तो प्रमुख समस्या रही शास्त्री मार्केट की। अब एक आ जाइए आप मेन फिरोजाबाद की नाक जैन मंदिर पर एक नगर निगम की मार्केट हो रहा है वाटर वर्कशॉप है, वहां पे भी संचालित कम से कम 100-150 दुकानें होती हैं दोनों तरफ। ठीक है वहां पर आपके पत्रकार बंधुओं के भी ऑफिस हैं, वहां पर मेडिकल की दुकानें भी हैं और व्यापारियों के भी प्रतिष्ठान हैं, कई बार ज्ञापन भी दिए, वहाँ समस्याएं थी छतों से पानी आना टूटना, उसकी मतलब ज़्यादा ये नहीं है कि ज़्यादा होना, बहुत कम खर्चे में मरम्मत होने का, मैं बस सकते एक सामने वाले की नीयत अच्छी होनी चाहिए व्यापारी के नाते कि हम व्यापारियों का भी काम करें, मगर जिस आदमी की नीयत ही नहीं है कि व्यापारियों के लिए काम करें, जो इस 5 साल में जो भी कार्य हुए हैं वो भेदभाव से हुए हैं वो। अच्छा किसके भेदभाव से? भेदभाव से ये हुए हैं जहाँ पर जरूरत नहीं थी विकास कार्य कराने की वहाँ पर तो विकास कार्य हुए हैं, और जहाँ विकास कार्य होने चाहिए हकीकत में वहाँ विकास कार्य नहीं हुए। यहाँ ऐसी ऐसी जगह विकास कार्य हुए हैं वहाँ पर सड़कें बिल्कुल अच्छी थी, उनको जबरदस्ती तोड़वा के दोबारा सड़क बनाई गई, टेंडर पास करा कर दोबारा सड़कें बनाई गई। अभी हम लोगों ने काफ़ी देखा जो शहर में देखते हैं आउटर में भी हमारे व्यापारी हैं, जो हमारा व्यापार मंडल फिरोजाबाद में 30,000 व्यापारियों का नेतृत्व करता है, 30,000 व्यापारी हैं संगठन के पास और जगह जगह कोने कोने में समस्याएं आती हैं। अब इधर आउटर में आप देखिएगा वहाँ पर 0% विकास नहीं हुआ है, छोटे छोटे व्यापारी भी हैं उनको समस्या आती है बाजार में आने के लिए, गड्ढे हैं,
और सड़कें टूटी हैं। अच्छा, मेन प्रमुख समस्या हमारी यहाँ पर है पानी की। पानी तो हर आदमी पीता है, चाहे व्यापारी हो चाहे आम जनमानस हो। पानी की गंभीर एक समस्या है गंदा पानी यहाँ पर। अच्छा, प्रोड्यूसर की ये 5 साल में पानी पर कोई काम नहीं हुआ, न काफी शिकायतें भी हुई, पार्षदों ने भी शिकायतें करी, जनता ने भी काफी आवाजें उठाई, आंदोलन भी किए, मगर उसका कारण नहीं हुआ। गंदा पानी पीने के लिए काफी आबादियां मजबूर हैं आज भी, तो इस पे एक अच्छा कार्य हो सकता था पानी के लिए। पानी तो प्रमुख जिम्मेदारी है नगर निगम। बिल्कुल, प्रमुख जिम्मेदारी नगर निगम का कार्य यही है, सड़क, सफाई, पानी, अन्य वैसी नगर निगम से संबंधित समस्या आती है, यही प्रमुख कार्य ज्यादा रहते हैं। ठीक है, सड़कें तो पूर्वकालीन से बनती भी आई हैं और बनेंगी भी। पानी की समस्या झेड़ा जाल से चालू हुई, पहले विकराल समस्या थी, झेड़ा जाल चालू हो गई। अब जो 5 साल में जो काम हो रहा था, पाइपलाइन इतनी डैमेज है नीचे की, बस खाली मरम्मत हो गई उसकी, विकराल नहीं हुआ। अब देखिए नगला वरी पर जो टंकी है, वहाँ हाईवे के नीचे काफ़ी जर्जर पाइपलाइन पड़ी हुई है, काफ़ी गंदा पानी पीने को लोग मजबूर होते हैं। कई बार शिकायतें भी हुई, लोगों ने आंदोलन भी किए, नगर निगम में धरना भी दिया, मगर कोई कार्य नहीं हुआ। जमीन स्तर से जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नगर निगम में नहीं हुए, सिर्फ कागजों पर कार्य हुए, कहीं कहीं विकास कार्य हुए, कहीं कहीं नहीं विकास कार्य हुए। यही व्यापारियों की प्रमुख समस्या एक रही, आंदोलन काफ़ी हुए हमारी, एक जाम की समस्या थी फिरोजाबाद के अंदर, आज भी बनी हुई है। वो जाम की समस्या के लिए वो हमने प्रशासन से भी बात करी, उनका लगता था कि आप नगर निगम को अवगत कराइए, ये नगर निगम के दायरे में आता है, उसकी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, मगर उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। आज समस्या है आपकी ई रिक्शाओं की, ई रिक्शा वालों के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था, ठीक है, आजीविका वो भी चलाएंगे, व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो अपना ई रिक्शा चला रहे हैं और ऑटो भी चला रहे हैं, उनकी भी आजीविका, मगर उसके लिए व्यवस्था करनी है नगर निगम के लिए, नगर निगम ने वो व्यवस्था नहीं करी। जाम की समस्या आपने बताई, तो जाम की समस्या कहाँ आप देखते हैं? जाम की समस्या आप देखिएगा मेन बाजार में रहती है। ठीक है, ठीक है, बाजार तो कंजेस्टेड इतना है कि वहाँ पर तो जाम की समस्या रहेगी। कंजेस्टेड ये है, कंजेस्टेड तो है, अब उसके लिए भी हम पार्किंग या रूल बना सकते हैं। अब पार्किंग अपने शहर में फिरोजाबाद में नहीं है, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सबसे पहले नंबर होता है, ठीक है, आज वाहन तो बढ़ गए हैं, कंजेस्टेड हो गए हैं शहर आपके, तो पार्किंग की व्यवस्था ये नगर निगम का दायित्व है पहला। अभी नगर निगम ने कोई भी कहीं पर पार्किंग नहीं बनाई है शहर में, आप मुझे बता दीजिए क्या कहीं पार्किंग बनी हो, मैं तो देखता हूँ कहीं पार्किंग नहीं है, जगह काफी अनयूजल पड़ी हुई है, वहां पर नगर निगम पार्किंग बना सकता है। ई रिक्शा ऑटो रिक्शा की आपने बात करी, ई रिक्शा ऑटो रिक्शा के लिए पार्किंग जलेसर रोड पर भी बनाई है, कोटला चुंगी पर बनाई है, पुल के नीचे बनी हुई है, बनाई है, अभी भी उसे पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है। 5 साल के बाद काफी धरना प्रदर्शन किया व्यापार मंडल ने, काफी सब कुछ किया, अब जाके उसका कार्य हुआ है पुल के नीचे, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से कार्य नहीं हुआ है। जिम्मेदारी से जो कार्य होना चाहिए है, उनको ई रिक्शा वालों को यूनियन को बुलाकर उनको बताकर वहाँ व्यवस्था नहीं हुई है आज भी। ऐसे कोल्डा रोड पर आपके कोल्डा चुंगी है, ऑटो वालों के लिए व्यवस्थाएं तो अभी बनाई है उन्होंने, काफी हम लोगों ने आंदोलन किए, काफी धरना प्रदर्शन किए, जब जाके कर तो हो गया है, अभी जाके हुआ है पुल के नीचे, मगर वो व्यवस्था नहीं है जैसी होनी चाहिए। अभी टॉयलेट की आपने बात की, शास्त्री मार्केट में टॉयलेट नहीं है, तो मैंने देखा, हमारी टीम ने कवर भी किया था कि वहाँ पर एक दो बार महापौर और आयुक्त तो दोनों लोग गए थे वहाँ पर, विजिट भी किया था उन्होंने, टॉयलेट वगैरह का भी वो देखा हुआ था। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी महापौर महोदय को भी ज्ञापन दिए, जैसे पूर्व नगर आयुक्त महोदय थी, विजय कुमार जी थे, प्रेरणा शर्मा जी थी, उनको भी हमने कई बार ज्ञापन दिए, इंस्पेक्शन करने आई भी थे, सर्वे करने के लिए महापौर महोदय भी आए, सिर्फ वो हवाई हवाई पर चला गया, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। एक मुझे ध्यान है अभी बीच में जब मैंने ज़्यादा प्रदर्शन आंदोलन किए थे, जब व्यापारी लामबंद हुए थे, तो टेंडर भी पास हुआ था वहाँ का कुछ, मगर टेंडर कुछ कार हो गया, वो सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छा, वो क्या मसला था जब वो गैलरी का आपका कुछ मसला चल रहा था कि अच्छा, गैलरी क्या है, गैलरी में जो नगर पालिका पूर्व से थी, तो जबी से ये दुकानें ली हैं, जबी से उनकी गैलरी नगर निगम ने उनको व्यापारियों को दी थी, व्यापारियों ने, अच्छा गैलरी क्या है, अब उन्होंने एक तो गैलरी छत टूटी हुई थी, उससे क्या है, एक तो दुकान की मजबूती आ गई उनकी, नहीं आगे गैलरी को यूज नहीं करते तो दुकान उनकी धराशाई हो जाती नीचे, नगर निगम ने कोई काम नहीं कराया। अच्छा, ये कार्य हुआ था नगर निगम द्वारा, जैसे व्यापारियों को दुकान दी थी तो वहीं से पूरे तरीके से ही गैलरी सही दुकानें मिली थी वहाँ। गैलरी के आगे से नाली बनी हुई है, तो वो अब गैलरी जितनी दुकान है, दुकान के आगे फिर गैलरी है, फिर गैलरी के आगे फुटपाथ बचता ही नहीं है कस्टमर के लिए, उसमें फुटपाथ है, काफी फुटपाथ है, अब फुटपाथ है उस पर बाइक खड़ी हो जाती है, पार्किंग हो जाती है,
अच्छा, एक तो मेंशन किया शास्त्री मार्केट के जो अंदर है वहाँ बाहर का तो आदमी आता नहीं है, मतलब बाइक चल रही हो या रोड तो है नहीं है, वो एक मार्केट है बस। अच्छा, कैसे आपके, आप एक व्यापारी हैं और आप वहाँ पर सारे जो व्यापारी हैं, शास्त्री मार्केट एक मेन मार्केट है हमारे यहाँ का, तो आपके हिसाब से किस तरीके से उसको किया जाए कि वहाँ की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ के जो जो पार्किंग की समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस व्यापारियों की जो आम समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसकी समस्याओं के लिए देखिए, वॉशरूम एक छोटा सा बना हुआ शास्त्री मार्केट में, ठीक है, काफ़ी गंदा है, पूर्व में बना हुआ था वो, और उसकी हमने अभी भी सर्वे कराया था, अभी भी अधिकारी आते हैं चले आते हैं, उसमें लेडीज और जेंट्स अलग अलग, जी लेडीज और जेंट्स, छोटा सा यूज भी नहीं होता है ना, सफाई होती है वहाँ पर और गंदा भी पड़ा हुआ छोटा सा, तो अभी हमने उसको बताया, उसको थोड़ा सा विकसित करिए आप, जो छोटा है उसको बड़ा करके और दोनों साइड के गेट देके महिलाओं का भी चालू हो जाए ढंग से, और ऊपर भी उसको बना सकते हैं, सेकंड फ्लोर पर भी बना सकते हैं। अब रही बात सीढ़ियों की, सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए है मार्केट में, चार सीढ़ियाँ हैं, चंद्रशेखर आजाद मार्केट से है, शास्त्री मार्केट से है, वहाँ जर्जर पड़ी हुई है ऊपर से, काफ़ी लोगों को चोट भी आई है, महिलाओं को चोट भी आई है, जो टूटा पड़ा हुआ है ऊपर, मरम्मत हुई नहीं है, उसमें सिर्फ मरम्मत होने का कारण सीढ़ियों की सौंदर्यीकरण हो जाए, और कुछ मार्केट हमने ये कहा था कि फिरोजाबाद में जो मार्केट है वो भगवा कलर से पुतिया है, एक सौंदर्य कलर भी बहुत अच्छा लगेगा और वहाँ के रौनक भी बहुत अच्छी आएगी मार्केट की थोड़ा थोड़ा, और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो तीनों मार्केट हैं, हमने एक अभी कुछ समय पहले एक आंदोलन किया था मार्केट पूरी बंद करके, 11 सूत्रीय मांग भी दी थी हमने नगरायुक्त महोदय को, तो उसमें 11 सूत्रीय हमारी यही मांगें थी, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। अच्छा, जो पार्क बने हुए हैं दो, एक तो लाल बहादुर शास्त्री जी का, एक चंद्रशेखर जी का पार्क है जी। पार्क तो बना दिए, महापुरुष के लिए भी आदमी काम करते हैं, अब जब कभी कभी जरूरत होती है नगर निगम कोई खाली नहीं करता, हम लोग वहाँ पर एक सौंदर्यीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, कुछ अनेबल एक्स्ट्रा जो पीछे पानी का व्यवस्था बनी हुई है वो यूजेबल नहीं है, ATM बनाया था उन्होंने पानी का, आज तक वो सारा चालू ही नहीं हुआ वो। अच्छा, अब उसको हटाने के बाद उसमें पार्किंग पीछे बन सकती है, या कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी काम कर सकते हैं आप, काफ़ी समस्या है। अब आ जाइए मेन सदर बाजार में, घंटाघर है, ठीक है, वो हमारा प्राचीन घंटाघर है, पहले के लोग बनाते थे घंटाघर के लिए, कई बार आंदोलन घंटाघर के लिए लिखित भी शिकायतें दी मगर नगर निगम ने उसकी सुध नहीं ली, आज ये घंटाघर बन जाता है, एक रौनक अलग आती है उससे, एक सौंदर्यीकरण भी लगता है, एक स्मार्ट भी लगता है, ठीक है मेन बाजार में आदमी आ रहा है तो घंटाघर, आज अन्य जिलों में देखिए, मैंने काफ़ी जिलों में देखा है घंटाघर की अपनी खूबसूरती होती है। चलिए, आपने बताया कि एज अ व्यापारी, आप मुझे ये बताइए कि व्यापारी को नगर में, ये तो मार्केट की बात है, नगर में और क्या समस्याएं हैं जिनको अगला महापौर आएगा तो उसको ध्यान रखना चाहिए? नगर में देखिए, एक तो नगर में नगर निगम के जो छोटे अधिकारी हैं वो अनावश्यक रूप से उत्पीड़न करते हैं व्यापारियों का। किसको लेकर? पॉलिथीन अभियान के लिए, अन्य अभियान के लिए काफ़ी समस्या, अतिक्रमण के लिए। अब हम लोग ये कहते हैं अतिक्रमण के लिए ठीक है, अतिक्रमण के लिए हम लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जहाँ गलत है आप उस अतिक्रमण के लिए, पूरे नगर में अतिक्रमण के लिए व्यवस्था करिए, ठीक है ना, पहले अपनी व्यवस्था करिए फिर व्यापारी आपका सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो खुद नहीं चाहता अतिक्रमण हो। अब होता क्या है, नगर निगम के कुछ अधिकारी आते हैं कुछ चुनिंदा जगहों पर ही उसको प्रताड़ित करते हैं व्यापारियों को, और व्यापारियों का हमारा भी यही कहना है अब पूरे नगर में आप अतिक्रमण अभियान चलाइए, जो तरीके से चलाइए, व्यापार मंडल और व्यापारी आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, वहाँ अनावश्यक रूप से उत्पीड़न जो करते हैं उसका विरोध करते हैं। अब उसमें क्या है, महापौर जी से, या भाई व्यापारी ने चुना किसको है, महापौर को, नेता तो हमारा महापौर ही है जिसको चुना है हमने, शिकायत हमें कोई समस्या आएगी महापौर से कहेंगे, अधिकारियों को तो नहीं कहेंगे, भाई अधिकारी आ जाए कल नहीं है, हमारा पहला दायित्व है महापौर के कहने के लिए। अब कभी कभी एक और चीज हमको देखने को मिली, अब देखिए हमारे लिए तो जनप्रतिनिधि कोई हो, चाहे महापौर जी हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, हमारे लिए सब बराबर है, ठीक है ना, जो हमारी समस्याओं को समझेगा हम उसके पास जाएंगे, ठीक। अब एक थोड़ी सी कमी यह रही लोगों में मन मुटाव वाली, लोगों में मतलब महापौर महोदय में, यही मतलब सीधी सीधी बता रहा हूँ, कोई भी काम है भाई, विधायक जी कोई काम हमारी सुन रहे हैं तो विधायक की पर व्यापारी जाएगी जाएगा। अभी एक समस्या आई थी मार्केट के संबंधित ही आई थी, वो काफ़ी समस्या होती। अच्छा, एक महापौर जी की एक समस्या ये रही कम्युनिकेशन की, फ़ोन ना उठाने की, लोगों से जुड़ने की नहीं। एक हमारा ये है कि नगर निगम में 2 महीने बाद 3 महीने बाद 1 महीने बाद व्यापारियों को सबको बुलाकर जो उनकी एक बैठक होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए,
क्या व्यापारियों की समस्या है, कि आप समस्याओं को अपनी जो हम उसको भी हल कर सकते हैं दोनों लोग मिलकर। उस कम्युनिकेशन का गैप बहुत काफ़ी रहा 5 साल के अंदर, कभी आज तक मीटिंगें नहीं हुई, कभी समस्याओं का हल नहीं हुआ। तो मेन समस्या तो यही है, काफ़ी समस्या कम्युनिकेशन से ही हल हो जाती हैं, भाई हमको क्या करना है, आपको क्या ना करने का, हमको व्यवस्था करनी है, तो काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं। मगर चीज़ की सबसे मेन चीज़ व्यापारी, और क्या चाहिए व्यापारी के लिए, भाई अपना व्यापार करेगा, जिसकी जो समस्या है उसको हल होना चाहिए, बस व्यापारी को क्या चाहिए। चलिए अंत में ऐसी कोई चीज जो आप आने वाले महापौर से एक्सपेक्ट करते हैं जो अभी तक आपने नहीं बता पाई। महापौर से हम यही एक्सेप्ट करते हैं कि सबका साथ, जो लोगों को लेकर चले और जमीनी स्तर का जुड़ा हुआ होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, ये नहीं कि भेदभाव से काम होना चाहिए, हवाई हवाई फायरिंग होने चाहिए। अभी पूर्व में भी काफी काल अरबों रुपए सरकार से फिरोजाबाद को आवंटित हुए, मगर जब देखा जाए तो अरबों रुपए फिरोजाबाद में नहीं लगे हैं। कोई ऐसा मुझे कार बता दीजिए जो एक स्मार्ट के लिए बनता है। उस चीज के लिए एक और बताऊं, मैंने दयाश माननीय मंत्री जी को भी दिया, नगर निगम को भी ज्ञापन दिया, जब हम फिरोजाबाद में एंट्रीज करते हैं, हमारे एक शहर स्वागत नगरी के नाम से प्रसिद्ध है फिरोजाबाद का, जी हर जगह विदेशों में देश में हर जगह चर्चा है। तो हमारा उनका था एक चिकोबाद से एग्जिट पॉइंट, जो एक बढ़िया द्वार तरीके से बहुत अच्छा लगना चाहिए, कम खर्चे का काम है, कोई ज़्यादा नहीं है, मगर आदमी की सोच होनी चाहिए हमें कुछ फिरोजाबाद में करने के लिए। और एक आपका आगरा की तरफ से एग्जिट करते हुए राजा के ताल से पहले सुहाग नगरी का एक बहुत अच्छा एक द्वार होना चाहिए, तो उससे बाहर के भी लोग आए, उसमें फिरोजाबाद सुहाग नगरी में काफ़ी हमने किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो काफ़ी समस्याएं छोटी छोटी रहीं, छोटी छोटी चीज़ों से ही स्मार्ट बनता है, ये नहीं सड़क वगैरह तो बनती रहती है। आप बता दीजिए कोई ऐसा स्मार्ट के लिए नहीं बना, कोई पार्किंग नहीं है, कोई अन्य कोई चीज़, अब उसमें स्मार्ट के लिए नगर निगम को अपने दायित्व से स्कूल भी खोलने चाहिए, जो नगर निगम के दायरे में बच्चे आते हैं, गरीब व्यापारियों के बच्चे भी हैं जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। एक शिक्षा, शिक्षा ठीक है हॉस्पिटल में मिलती है, जिला अस्पताल अपना मेडिकल कॉलेज है, नगर निगम के दायरे में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आती हैं, वो स्वास्थ्य व्यवस्था नगर निगम की आज तक हमने नहीं देखी। डेंगू काल में सबसे ज़्यादा समस्याएँ रहीं, जिसकी लापरवाही रही, जो आज फिरोजाबाद में 2021 में जो इतना त्रासदी हुई थी वो नगर निगम की लापरवाही से हुई थी, वो आज भी नहीं सुधरा नगर निगम। आज भी आप आउटर में जाकर देखिए काफ़ी गंदगी है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं होती है, सिर्फ बीच बीच में हो गई सफाई, कहीं कहीं जगह वहीं चल रहा है, बहुत स्थिति गंभीर है। अच्छा, एक मैं व्यापार से हटके अलग और बात करना चाह रहा हूँ जी, सामाजिक। फिरोजाबाद में 2 गौशाला नगर निगम चलाता है जी, एक खाना गौशाला और एक आलनगर की गौशाला है, और मैं थोड़ा सा गाय के प्रति मेरा लगाव भी है, काफी मैंने आवाजें उठाई हैं पूर्व से। तो दोनों गौशालाओं में इतनी स्थिति खराब है, अब जाके थोड़ी बहुत सुधरी है, मगर अभी भी सर्दी के चक्कर में समझ लीजिए, पूर्व में भी 5 गाय मरी थी पिछले साल, मैंने काफी आंदोलन किया था, माननीय जिलाधिकारी महोदय चंद्र सिंह जी को भी बुलाया था, वहां पर अधिकारी उन्होंने भी देखा, काफी गौर समस्या, मगर जो आप उसका जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे हैं, मगर वो नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है। कान्हा गौशाला में तो अभी भी महापौर ने अभी विजिट किया और उसमें भी गायों को कंबल देने की बात जी जी जी। अब उसी लिए मैंने परसों में खुद गया था, मैं 15 दिन से दिल्ली 2-3 दिन छोड़ के दोनों गौशालाओं में जा रहा हूँ, वहाँ अभी सर्दी के बचाव का कोई भी कारण नहीं है। मेरे महापौर महोदय से हुई बात, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैंने काफी उनको कम से कम 30-40 कम्युनिकेशन के गैप है, पता नहीं भाई आप महापौर है इतनी बिजी, ऐसा तो मतलब ही नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी की इतनी मैं अच्छी बात करूंगा, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो जनप्रतिनिधि है जो अच्छा है, मैं तो और कोई काम है नहीं है, जो हमारी समस्याओं को हल कर दे, हमारी समस्याओं को सुन ले, उनकी है कभी भी हम फोन करें बाई चांस उत्तर नहीं दे पाए तो प्रत्युत्तर जरूर आता है उनका कुछ समय बाद। लखनऊ भी होते हैं वो, जब भी रिटर्न कॉल करते हैं, हाँ प्रशांत जी बताइए कि समस्या है, तो उनको समस्या बताओ हल कराइए। अब महापौर जी का मैंने एक समस्या बताई, आलनगर गौशाला में 100 गाय संचालित हैं, पार्क है पीछे गांधी पार्क, वहाँ खुला हुआ है, पीछे जालियां लगी हुई हैं, सीधी हवा गायों के लिए आती है, कोई व्यवस्था नहीं है। परसों मैंने काफ़ी नगर आयुक्त महोदय से भी कहा हो जाएगी, मगर महापौर से मैंने कि अब अधिकारी ही नहीं सुनने हैं, तो महापौर जी से उनसे कोई भी बात नहीं हो पाई। अब समझ लीजिए वहाँ पर ना हीटर की व्यवस्था है, अब यही मैंने परसों वीडियो में कहा, मैंने महापौर महोदय दोनों गौशालों में सर्वे करने गई, मगर सिर्फ फोटो खिंचाने से क्या होगा, आप सर्वे करने गई फोटो खिंचा ली आप आ गई, उसकी हकीकत तो देखिए कहाँ जरूरत है उसके लिए, तो हम जाने आप कुछ उस चीज़ के लिए कर रही हैं, फोटो खिंचाने से आप आ गई सर्वे कर लिया, वहाँ अधिकारियों ने उस समय
व्यवस्था कर दी, हो गया काम उसको। देखिए गायों को जरूरत क्या है, सर्दी के हम उपाय क्या कर सकते हैं ना, वहाँ तिरपाल की व्यवस्था है, अब काऊ कोट है, कोट के लिए व्यवस्था ठीक है। अब कोट, अब आदमी को पूरे दिन कंबल में रह लेगा आदमी, नहीं रहेगा, वो तो जानवर है। अब कोट से क्या होता है, वो गाय गिरा देती है, ठीक है ज्यादा सर्दी है, गाय हम डाल सकते हैं मगर वो नहीं रह सकती है। अब हमने उसके लिए कहा मैंने कि यहाँ हीटर की व्यवस्था होनी चाहिए, विलोर की व्यवस्था होनी चाहिए, तिरपाल की। अब बताइए, अभी बीच में समस्या रही थी हरे चारे की, ऊपर से पैसा आ रहा है, टेंडर भी उठा हुआ है, अभी 2-3 महीने हरा चारा बिल्कुल गौशाले से लिप्त हो गया था, जैसे भूसा सूखा भूसा खा रही थी, मैंने काफ़ी आवाज़ें उठाई, काफ़ी मैंने कहा तो ज़्यादा भी आवाज़ उठाओ तो ये होता है कि विरोध कर रहे हो, तो क्या करें, हमारा स्वाभाविक अंदर से ही मन नहीं मानता है। अब निगम से ये भी कहा मैंने कि आप हमें बस खाली बता दी ईमानदारी से आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम आपको देने के लिए तैयार हैं, तत्पर। मगर आप ये तो बताइए अब ईमानदारी से क्या कर रहे हैं, आज तक उन्होंने ये भी नहीं बताया हम क्या कर रहे हैं। काफ़ी हमारे समझ में आता है काफ़ी भ्रष्टाचार होते हैं उसमें, गाँव के लिए भी नहीं छोड़ा जाता है, चारे में बहुत सी समस्या है, तो ये कम्युनिकेशन का गैप है। सारी व्यवस्था है अच्छे महापौर के लिए हम चाहते हैं समझे, और जो जो छोटी समस्याएँ हैं व्यापारियों की है, आम जनमानस की है, पानी की समस्या है, इनको पूरा कीजिए और व्यापारी साथ रहेगा, अन्यथा हम लोग नेतृत्व भी काफ़ी व्यापारियों को करते हैं, व्यापार व्यापारियों की तो राय है, व्यापार मंडल से भी प्रतिनिधि महापौर के लिए नियुक्त होना चाहिए, ऊपर विचार विमर्श चल रहा है उसके लिए व्यापार मंडल भी अपना कोई नहीं, कई सारे वैश्य हैं जो अपना दावा कर रहे हैं, आवेदन किया है उन्होंने, नहीं आवेदन किया है वैसे, हम तो ये चाहते हैं एक अच्छा महापौर होना चाहिए, युवा होना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी हो मगर अच्छा होना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से हो, सबको समझे, वैश्य को भी समझे, सभी धर्मों को समझे, सभी लोगों को साथ लेकर विकास करे, ये नहीं के खाली एक लोगों का विकास हो रहा हो जो पूर्व काल में हुआ, सभी देखो क्षेत्र की जनता हमारी सारी है, नगर निगम के महापौर हम पूरे शहर के हैं, सिर्फ एक लोगों ने नहीं बनाया, ये आदमी की मानसिकता गलत है कि सिर्फ एक लोग बना देते हैं, ऐसा नहीं है, सबके सहयोग से ही सरकारें बनती हैं, सबके सहयोग से ही जनप्रतिनिधि बनता है, किसी की ताकत नहीं है कि सिर्फ एक जाति से कोई बन जाए, सबका सहयोग होना चाहिए और सबके ही विकास कार्य होने चाहिए। ठीक है आज उसने वोट नहीं दिया, अगली बार देगा, आप काम तो करिए आप उसका, उसके मन में तो आप आइए आप, अगली बार आपको वोट देगा वो, और आप पहले से ही धारणा बना लेंगे कि नहीं मुझे फलानी जगह काम नहीं करना, यहाँ काम करना है, तो फिर आदमी का मनोबल गिरता है, तो आदमी वैसे भी दूर जाता है, तो सबका साथ करिए आप, और पूरे शहर में आप जहाँ भी समस्याएं रह गई हैं उनको पूरा करिए आप। तो प्रशांत महेश्वरी जी जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से थे, और इन्होंने अपनी समस्याएं, व्यापारियों की समस्याएं रखी कि अभी तक उन्हें क्या समस्याएं रही हैं पिछले महापौर से, उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए, और आगे उन्होंने ये भी सुझाव दिए कि अगला जो आने वाला महापौर है उसे क्या क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि व्यापारियों को और आम जनमानस को कोई समस्या ना हो। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करके इस जानकारी को और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद गौरव चौहान जी।